नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है राजस्थान रेट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट रेट परीक्षा 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। यानी कि अभी राजस्थान की हस्तशिल्प कला है दोस्तों यहाँ पर आज का जो टॉपिक होने वाला है 13वें नंबर का टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो नंबर है यहाँ पर 93 नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर 92 वीडियो अपलोड कर दिए है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हो, वनरक्षक वनपाल राजस्थान ऐसा पटवार राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो तो दोस्तों इन कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर प्रत्येक यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो कवर करने की कोशिश की है दोस्तों यहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर रिट वालों के लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा टोटल प्रश्नों की संख्या है 50 है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें राजस्थान की हस्तशिल्प कला कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके जो सिलेबस में है राजस्थान की हस्तशिल्प कला है दोस्तों यहाँ पर, ये दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, इसको अच्छी तरह इसके से देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा जवाहर कला केंद्र स्थित है कहाँ पर है, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला किस जिले की है, बताइएगा बांसवाड़ा राजसमंद प्रतापगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ की है दोस्तों यहाँ पर। कांच पर सुनहरा चित्रांगन किया जाता है यहाँ पर, जिसको यहाँ पर थेवा कला कहा जाता है। और ये थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लैक पॉटी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोटा बीकानेर जैसलमेर या फिर उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का बिल्कुल राइट है, कोटा हो जाएगा, जो कि ब्लैक पॉटी के लिए फेमस है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का कोटा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पॉटी को आश्रय दिया था, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर रियासत, बूंदी रियासत, उदयपुर रियासत या फिर कोटा रियासत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत ने दोस्तों यहाँ पर ब्लू पॉटी को आश्रय दिया था दोस्तों यहाँ पर। और ब्लू पॉटी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, पूरे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है राजस्थान में, सांगानेर जयपुर की, बाड़मेर की, अकोला चित्तौड़गढ़ की या फिर बलाड़ा जोधपुर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अकोला चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती है यहाँ पर दाबू प्रिंट दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान स्थित है कहाँ पर है, बाराणा जोधपुर या फिर हवाला उदयपुर या फिर सांगानेर जयपुर या फिर किशनगढ़ जयपुर। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आपके है, आपका सही आंसर हो जाएगा सांगानेर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सांगानेर जयपुर में दोस्तों यहाँ पर हस्तशिल्प कला राष्ट्रीय संस्थान स्थित है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, बताइएगा जयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में या फिर उदयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में बनाए जाते हैं दोस्तों यहां पर। देखिएगा हीरा जवाहरात का जो कार्य होता है वो जयपुर में होता है दोस्तों यहां पर, और पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, पीतल के बर्तनों पर जो मीनाकारी की जाती है वो अलवर जिला फेमस है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, थेवा कला क्या है, बताइएगा थेवा कला क्या है। अभी मैंने आपको बताया था सोने या चांदी की नक्काशी किए हुए रंगीन कांच के टुकड़े या फिर सोने या चांदी पर मीनाकारी की कला या फिर संगमर पर कीमती रत्नों की नक्काशी करने की कला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंटों का दोस्तों यहाँ पर, सोने पर चांदी की नक्काशी किए हुए रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं, जिसको थेवा कला के नाम से जाना जाता है और ये प्रतापगढ़ की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले खस और इत्र के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, उदयपुर अजमेर बीकानेर जैसलमेर या फिर जोधपुर जालौर या फिर भरतपुर सवाई माधोपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले इत्र और खस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। एक खतरे ये जो खस होता है दोस्तों यहाँ पर वो इत्र की तरह ही होता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथी दांत का कार्य निम्न में से किस जिले में किया जाता है, बताइएगा हाथी दांत के चूड़े बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, कुल कलात्मक कृतियाँ बनती है दोस्तों यहाँ पर, ये किस जिले में बनाए जाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जयपुर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह स्थान जो कि मृदा शिल्प के लिए विख्यात है जाना जाता है, बताइएगा मोलेला, कुचामन, सांगानेर या फिर कैथून। तो
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोलेला गांव। कहां पर है ये मोलेला गांव? ये है राजसमंद में है दोस्तों यहां पर। और मिट्टी के यहाँ पर यानी कि जो शिल्प है ये बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, मिट्टी के जो कलात्मक कीर्ति है ये मोलेला गांव राजसमंद में बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए है दोस्तों यहाँ पर। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचा है दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट रेट की तैयारी कर रहा है और कौन कौन स्टूडेंटों के प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर किए हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? बताना है बादला क्या चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, बहुत बार पूछा गया है। जस्ते से बनी बात पानी की बोतल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये पानी को ठंडे रखने के लिए बनाया जाता है और ये जोधपुर का फेमस है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपड़े पर निर्मित चित्र कहलाते हैं, बताएगा क्या कहलाते हैं? गोदना, पाने, फिचवाइया या फिर उपयोग सभी? जो कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है, जो कढ़ाई की जाती है दोस्तों यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है पिछवाइया बोला जाता है। और ये कहाँ की है? ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 250 ग्राम की रजाई किस जिले की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, बीकानेर की, उदयपुर की या फिर जयपुर की? तो दोस्तों बिल्कुल राइट है आपका, राइट आंसर हो जाएगा जयपुर की है दोस्तों यहाँ पर। 250 ग्राम की रजाई जयपुर की फेमस है। और ध्यान रखना 250 ग्राम के रजाई के अलावा दोस्तों यहाँ पर एक सिलिकेन साड़ी भी होती है, जिसको एक ऐसी साली भी होती है दोस्तों यहाँ पर, साड़ी होती है जिसको अंगूठी में पूरा निकाला जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, उसको अंगूठी में होके पूरा निकाल दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर। ये भी जयपुर की फेमस है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा, मीनाकारी जयपुर में या फिर टेराकोटा शिल्प मोलेला या फिर थेवा कला प्रतापगढ़ या फिर अजरंग प्रिंट सांगनेर? सुमेलित नहीं है, बताना होगा इसमें से। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जो अजरंग प्रिंट है ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, और सांगनेर का हस्त से निर्मित कागज है दोस्तों यहाँ पर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की मुख्य विशेषता है? बताइएगा, जोधपुर शैली की, बीकानेर शैली की, किशनगढ़ शैली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लकड़ी पर निर्मित चित्र कहलाते हैं, बताइएगा क्या कहलाते हैं? लकड़ी पर जो चित्र बनाए जाते हैं, मांडना, कावड़ या फिर पिछवाइया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कावड़ कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, लकड़ी पर बने चित्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित ये आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल तीर्थ किस जिले को कहा जाता है? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। जयपुर में देखिएगा, हाथ से निर्मित कागज बनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर, ट्रॉफियां बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, हीरे जवाहरात का कार्य भी किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पापड़ और भुजिया के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बताना होगा इसका सही आंसर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, पापड़ और भुजिया में। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बंदेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बताना होगा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, बंदेज की साड़ियाँ बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, घोटे की साड़ियाँ बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद, गलता, जयपुर, उदयपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का नाथद्वारा, राजसमंद की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। और ये पिछवाइयाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये चित्रकला से भी संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, नाथद्वारा की पिछवाइयाँ दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, जब कोई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो कपड़ा, जो पर्दा लगा हुआ होता है, जिसमें चित्रांकन किए हुए होते हैं दोस्तों यहाँ पर, उसको पिछवाइया कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि त्योहारों या उत्सवों पर घरों के फर्श पर जो चित्रांकन आंगन में उकेरे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बताना होगा, रंगोली, गोदना, कावड़ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रंगोली कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। आंगन में जो कलाकृति उकेरी जाती है दोस्तों यहाँ पर, जिसको यहाँ पर वो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, रंगोली कहा जाता है। इस प्रकार की रंगोली अपन आमतौर पर अपने आंगनों में देखे जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, इस तरह के यहाँ पर ये बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, इस तरह की जो रंगोली है अपने आंगन में खड़ियों के माध्यम से या फिर किसी रंग के माध्यम से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चंदन की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उदयपुर, चूरू या फिर राजसमंद या फिर पाली?
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चूरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चूरू जिले में यहाँ पर चंदन की मूर्तियां बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बड़े पैमाने पर जरी का कार्य किस जिले में किया जाता है, बताना होगा उदयपुर, सीकर, झुंझुनू या फिर जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जरी का कार्य किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंवारी कन्या द्वारा गोबर से दीवार पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर बताएगा सांझी या फिर रंगोली या फिर थापा या फिर गोदना। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सांझी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर इसको ध्यान रख लेना। यानी कि गोबर पर, गोबर के माध्यम से दीवार पर या फिर आंगन में या फिर कहीं पर चबूतरे पर दोस्तों यहाँ पर जो चित्रांकन किया जाता है, जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको कहा जाता है सांझी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर पर स्थायी चित्रांकन कहलाता है, बताएगा दोस्तों। यहाँ पर गोदना, मांडना, छापना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोदना है दोस्तों यहाँ पर। और ये गोदना का जो कार्य है दोस्तों यहाँ पर भीली लोग सबसे अधिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर अपने शरीर के ऊपर दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बंदेज का कार्य गोटा का प्रसिद्ध है, बताना होगा सांगानेर, जयपुर, खंडेला, सीकर या फिर भीनमाल, जालौर या फिर बस्ती, चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खंडेला, सीकर का प्रसिद्ध है, बंदेज का गोटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, कहाँ की है ये दोनों प्रिंट, ये पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर, उदयपुर, अकोला, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर अकोला, चित्तौड़गढ़ की फेमस है दोस्तों यहाँ पर दोनों। कौन सी, एक तो जाजम प्रिंट है और ये दाबू प्रिंट है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का मलीर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, बताएगा बाड़मेर, बीकानेर या फिर गंगानगर या फिर उदयपुर। तो सही है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि मलीर प्रिंट के लिए जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस लोक देवता की सबसे लंबी फड़ है, बताना होगा नारायण, देव नारायण जी की, रामदेव जी की या फिर बाबू जी की या फिर हड़बू जी की। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, देव नारायण जी की फड़ है, वो की सबसे बड़ी फड़ है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में कहाँ के नमदे प्रसिद्ध है, बताना होगा नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालपुरा टोंक में बनाए जाते हैं नमदे दोस्तों यहाँ पर, जो कि यहाँ के फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खेल सामग्रियों का निम्न में से किस जिले में बनाई जाती है, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। दोस्तों देखते ही प्रश्न को क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही है हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊँट की खाल पर की गई सोने की नक्काशी कहलाती है, बताना होगा बंदेज, गोटा, उस्तकला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही है उस्तकला कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ऊँट की खाल पर जो सोने की नक्काशी की जाती है, चित्रांकन किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, उस्तकला कहा जाता है। और उस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। और जो ये कार्य करते हैं, जो कलाकार होते हैं, उसको उस्ताद कहा जाता था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामदेव जी के कपड़े के घोड़े निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध है, बताना होगा जैसलमेर, जालौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, धौलपुर या फिर टोंक बूंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और जालौर के प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, रामदेव जी के मेले पर ये जो कावड़ इसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, घोड़े जो कपड़े के जो घोड़े बनाए जाते हैं, लकड़ी के जो घोड़े बनाए जाते हैं, इसी मेले में प्रचलित है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान का कौन सा शहर कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर, बाड़मेर, अलवर या फिर नागौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर हो जाएगा, नागौर में सबसे अधिक कृषि औजारे बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, यांत्रिक कृषि अभियंत्रिकी दोस्तों यहाँ पर यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सूरतगढ़ में भी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मसूरिया व कोटा डोरिया की साड़ी प्रसिद्ध है, कहाँ की है दोस्तों यहाँ पर, कैथून, कोटा, सांगानेर, जयपुर या फिर बस्सी, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कैथून, कोटा की प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, मसूरिया व कोटा डोरिया की साड़ी दोस्तों यहाँ पर, कैथून एक स्थान है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिथेरणा कला प्रसिद्ध है, कहाँ की है ये मिथेरणा कला, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, मिथेरन कला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस जिले में पीतल पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है उदयपुर, राजसमंद, सीकर या फिर अलवर। तो इसका करेक्ट आंसर है अलवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलवर में पीतल पर मीनाकारी की जाती है। राजस्थान में कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर जयपुर।
तो इसका बिल्कुल करेक्ट है आपका उदयपुर है दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पर कठपुतलियाँ बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं, बताइएगा पिछवाइया या फिर कावड़ या फिर इकतवारी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यानी कि पानी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, जो कागज पर जो उकेरे जाते हैं वो चित्रांकन किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, उसको पानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिएगा हस्त निर्मित कागज सांगानेर जयपुर, लकड़ी के झूले जोधपुर, गरासियों की फाग अहड़ उदयपुर या फिर पापड़ और भुजिया बीकानेर। तो इसमें से गलत जोड़ा पहचानना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरासियों की फाग। जी हाँ दोस्तों यही ऑप्शन गलत है दोस्तों यहाँ पर, तो इसको सही माना जाएगा यानी कि जो गलत जोड़ा है वो पहचानना है, तो ये पहचान लिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा वैसे तो जो गरासिया की फाग है वो सोजत पाली की प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, और सोजत पाली में बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर आहार दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काले पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। देखिएगा आपने पढ़ा होगा राजस्थान में सबसे अधिक जो मूर्तियां बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर वो जयपुर में बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ पर बनाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा में बनाई जाती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तोरण एक प्रकार का क्या है, बताना होगा शक्ति परीक्षण का प्रतीक या फिर व्यवहार देने वाली सामग्री या फिर एक प्रकार की वनस्पति या फिर एक प्रकार का खिलौना। तो दोस्तों ये प्रकार का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक प्रकार का शक्ति परीक्षण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है विवाह के समय जब बारात आती है तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पर ये तोरण लगा हुआ होता है दोस्तों यहाँ पर घर के दरवाजे के सामने दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दूल्हा आता है तो इसको यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है दोस्तों यहाँ पर, तो ये पुराने समय से चलते ही आ रही है दोस्तों यहाँ पर, ये थी रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। देखिएगा मूर्ति कला के लिए पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये बार बार पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। छह क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। देखिएगा लोहे की तलवार के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध शहर कौन सा है। लोहे की तलवार कहाँ पर बनाई जाती है, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली या फिर सिरोही। इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लोहे की कढ़ाई का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, अजमेर में, जालौर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर में बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर लोहे की कढ़ाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाब के फूल व गुलकंद के लिए प्रसिद्ध है, किशनगढ़, ब्यावर, सांगानेर या फिर पुष्कर। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पुष्कर में आपको पता है, देखिएगा राजस्थान में सबसे अधिक है जो यहाँ पर फूलों की खेती की जाती है, गुलाब की खेती की जाती है, वो अलवर में भी की जाती है और पुष्कर में भी की जाती है, लेकिन पुष्कर में अधिक की जाती है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर गुलाब के फूलों से गुलकंद भी बनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संगमरमर की मूर्तियाँ, ट्रॉफियाँ, लहरियाँ, हाथी के दांत का सामान किस जिले में बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जयपुर में बनाया जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध स्थान फड़ चित्रांगण चित्र हेतु विश्व लिए प्रसिद्ध है। फड़ कहाँ की बनी होती है, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा यहाँ पर अजमेर, किशनगढ़, राजसमंद, मोलेला या फिर भीलवाड़ा, शाहपुरा या फिर जयपुर, सांगानेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भीलवाड़ा का शाहपुरा एक क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, तो वहां पर दोस्तों यहाँ पर फड़ चित्रांगन की जाती है दोस्तों यहाँ पर, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, अजमेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर बाड़मेर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ये बाड़मेर में प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, बताना होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर रामदेव की या फिर तेजाजी या फिर पाबूजी या फिर मल्लीनाथ की। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पाबूजी की है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, अब प्लीज बताइएगा कि यहाँ पर कितने प्रश्न आपने सही किए 50 प्रश्नों में से। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की हस्तशिल्प कला ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों यहाँ पर, ये भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए SST का सामाजिक अध्ययन का एक टेस्ट सीरीज
चीज लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि बैंकिंग प्रणाली का एक वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। बैंकिंग प्रणाली के सभी क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपकी एग्जाम में डालने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना कम से कम ये 100-200 क्वेश्चन है बैंकिंग प्रणाली के, जिसमें यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर अपनी जो प्रश्न बैंक है उसमें डाल दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर यानी कि आरबीआई के कार्य आपसे पूछा जाएगा, और जो बैंकिंग प्रणाली के जो बैंकिंग क्षेत्र में जो कार्य है दोस्तों यहाँ पर, बीमा क्षेत्र में जो बैंक कार्य करते हैं दोस्तों यहाँ पर, उनके बारे में भी पूछा जाएगा। सहकारिता के बारे में पूछा जाएगा। ये तीनों चीज आपको बैंकिंग क्षेत्र में पढ़नी होगी दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का इतिहास हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यहाँ पर वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर।